Assalamu alaikum dear parents and welcome to session 3 of this week. Today is June 24th, 2020 and the question is how are you? So I hope you're practicing this question and I hope that you are in good health wherever you are and your kids are good too. So let us get started. Today we have three things in the agenda. Number one is the introduction of this letter, which is data. We also have the vocabulary of this letter from the Urdu textbook, and we have to rainbow trace this letter on the Urdu workbook. And the other thing that we have, the third thing that we have, is on the English workbook, which is the tracing of the letter eh that we've done yesterday. So let us get started. ऑलराइट, तो अब हम शुरू करते हैं. ये एक हर्फ है जो कि है बे के ख़ानदान से, लेकिन ना तो इसके पास नुक्ता नीचे है और ना नुक्ता ऊपर है. इसके पास तो कुछ और है. और ये क्या है? ये है त्वा. ये है इसके सर पे एक टोपी. तो ये कैसे ट्रेस होगा, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? बिल्कुल जैसे हम बाकी सारे बे के ख़ानदान के जितने भी हर्फ हैं वो ट्रेस करते आए हैं, उनकी फॉर्मेशन जिस तरह से होती है बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ से शुरू करेंगे और सीधे थोड़ा सा नीचे आके सीधा जाते जाएं और फिर थोड़ी सी ऊपर आके एंड, और फिर इसकी टोपी. तो ये है टेटा टोपी, टेटा टोकरी. तो अभी ये है टेटा. क्या है? टेटा. और टेटा के पास क्या है? टेटा के पास एक टोपी है. फिर से करते हैं, टेटा. और टे के पास क्या है? एक टोपी है. तो इसकी जो गीत है, इसकी जो नज़म है, वो इस तरह से है. टेटा टोपी सर पर सजाए, टेटा टोपी सर पर सजाए. तो जैसे अलिफ और बाकी मैंने हर्फ की बताई है, इसी तरह टेटा के होती है टेटा टोपी. आप अपने सर पे हाथ रख के बताएंगे कि जैसे टोपी पहनी जाती है. तो यह है इसकी फॉर्मेशन, और इस तरह से बच्चों को सिखाएंगे कि यह है टेटा. और अब हम बढ़ते हैं इसकी वोकैबुलरी की तरफ, इसके ज़हीरा अल्फाज की तरफ, और उसके साथ हम इसकी रेनबो ट्रेसिंग भी करेंगे. चलें अब हम देखते हैं ज़खीरा अल्फाज टेटा के, जो के हैं इनकी उर्दू की टेक्स्ट बुक के अंदर सफ़ा नंबर 13 और 16 पे. तो ये क्या है? ये है टेटा, टेटा टोपी, टेटा टोपी. और ये कौन से रंग की टोपी है? ये है लाल रंग की टोपी. अब हम देखते हैं सफ़ा नंबर 16 पे. आप अपने बच्चों से पहले पूछेंगे ये क्या है? ये है टेलीफोन. आई होप कि उनको पता होगा. ये है टेलीफोन, टेटा टेलीफोन. टेटा टमाटर, ये लाल रंग का होता है जूसी सा. और ये क्या है? टेटा टोकरी. हम टोकरी में क्या रखते हैं? हम टोकरी में मुख्तलिफ चीज़ें रखते हैं. और ये वाली जो टोकरी है, इसमें हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं जब हम पिकनिक पे जाते हैं. टेटा टेलीफोन, टेटा टमाटर, टेटा टोकरी. टेटा टेलीफोन, टेटा टमाटर, टेटा टोकरी. तो इस तरह से आप उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे. इसके अलावा इनकी वर्कबुक पे भी हैं चीज़ें जो टेटा से शुरू होती हैं. आप उनको और चीज़ों के बारे में भी बता सकते हैं. जब भी आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है जो टे से शुरू होती है, तो आप उनको उसके बारे में ज़रूर बताएँ. तो अब हम करेंगे उर्दू की वर्कबुक का काम. सो लेट्स गो. अब हम करेंगे उर्दू की वर्कबुक के ऊपर काम, जो कि है हमारी रेनबो ट्रेसिंग लेटर टेटा की सफ़ा नंबर 30 के ऊपर. तो सबसे पहली चीज़, आप तारीख लिखेंगे जो कि है 24 जून 2020, और जमात का काम पढ़िए और लिखिए. तो आप देखेंगे बुक्स के ऊपर आपको इस तरह से ऑलरेडी लाइंस या डॉट्स नहीं दिए हुए, तो प्लीज़ आप उनको ख़ुद से बच्चों को काम करने से पहले बना दें, ताकि उनके लिए ट्रेस करने में आसानी हो. रेनबो ट्रेसिंग के लिए आप कोई से भी कलर ले सकते हैं. आप बच्चों को अच्छी तरीके से पता चल गया होगा रेनबो ट्रेसिंग के बारे में. तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, डॉट से, और
कोई से भी कलर लेके तीन या चार हम इसको ट्रेस करेंगे। और हम कौन सा रंग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं लाल रंग। ये है बे के खानदान टे। और इसकी टोपी बनाने के लिए मैंने पहले से नहीं किया था बिकॉज मैं आपके सामने करना चाह रही थी। इस तरह से तो फिर आप अपने बच्चों से कहें कि वो इसको भी टोपी को, बिकॉज़ वो पहले कर चुके हैं तो आई होप उनके लिए इजी होगा, तो उसको ट्रेस करें ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे। तो ये क्या हो गया, टेटा। इसी तरह से एक और रंग लीजिए और उनसे कहिए कि बिल्कुल लाइन के करीब करीब से आहिस्ता आहिस्ता जाके तो ये हो गया टेटा। ये क्या हो गया, टेटा। टेटा टमाटर, टेटा टोपी, टेटा टूंटी और क्या होता है, टेलीफोन होता है। तो ये हमारा क्लास वर्क हो गया आज का और अभी हम देखते हैं। Alright, so we have to trace the letter A in English and that is on the workbook page number 18. So let us see, open up the workbook. The first thing first, write down classwork and write down the date, which is June 24, 2020. Trace the alphabet. Now what is this, ask your child. You can do a bit of revision from here. You've got the vocabulary words here. So this is, and this is A. What is this? It's an envelope. How about this one? An elephant. And what is this? It's an egg. What is this? It's an egg. So let us get started with the tracing. I'll tell you how we are going to do it, although you know, but let me tell you again. So as you know, the formation, start from the middle and make a sleeping line, then make a curved line by going all the way around. Start from the middle, making a sleeping line, and then make a curved line all the way around. Start from the middle, make a sleeping line, and then go up making a curved line all the way around. So this is how we are going to trace all of these A. And please make sure that if they are going way beyond the line, please erase it, because that is not how we do it and it does not serve the purpose of tracing. If they are not tracing within if they are not tracing on the dot. So let us quickly see the homework, which is on the Urdu workbook page number 31. सो सफ़ा नंबर 31 पे हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या काम है। सबसे पहले हम लिखेंगे घर का काम और तारीख, जो कि है 24 जून 2020। पढ़ें और रंग भरें। सो ये क्या है, ये है टेटा। टेटा टोपी, टोपी क्या करते हैं हम सर पे पहनते हैं, जब गर्मी होती है तो धूप नहीं लगती। टेटा टमाटर, टमाटर क्या होता है, मामा खाने में डालती हैं, जब सालन बनाती हैं, पास्ता बनाती हैं तो उसमें भी टमाटर डालती हैं। और ये क्या है, ये है टेटा टूंटी। इसको हम खोलते हैं जब ऊपर से तो क्या होता है, इसमें से पानी निकलता है। तो आप अपने बच्चों को कलर्स देंगे, वो उनमें कलर करेंगे। टमाटर में हम लोग करेंगे लाल रंग और हरा रंग, जैसे कि आपको पता है टमाटर के कौन से रंग होते हैं। और टूंटी के लिए आप उनको कोई भी कलर दे सकते हैं जो उनको अच्छा लगता हो। तो आई नो अब तक आपको कलरिंग के सारा तरीका पता होगा कि हम लोग स्मॉल स्ट्रोक्स में कलर करते हैं और कोई गैप्स नहीं छोड़ने हैं, आपने अच्छी अच्छी फिलिंग अप करनी है। और बच्चे बहुत अच्छी कलरिंग कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो ये होगा आज का होमवर्क, तो दैट इज़ ऑल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। सी यू, अल्लाह हाफिज़।